to the world of physics. So this is Sonali, your physics tutor, and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So bachcho, once again it gives me an immense pleasure to welcome you all in my physics class. So as we all know that in the last class we have started a new chapter, that is chapter number 7, wave optics. ठीक है, तो ये है wave optics का second class. तो बच्चों, हमने देखा कि लाइट के बारे में जो डिबेट है वो 16th सेंचुरी से चलते आ रही है. किसी ने लाइट को वेव कहा, किसी ने लाइट को पार्टिकल कहा. तो ये लाइट की जो पूरी हिस्ट्री है ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस की है. ठीक है, सो जो भी ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले हम वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखिए, सो दैट आप लाइट से टोटली फैमिलियर हो जाओगे और आपको आगे का पूरा चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में, समझने में आसानी होगी. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्लास ऑफ वेव ऑप्टिक्स. तो बच्चों, चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स है. आई टोल्ड यू दैट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑप्टिकल फेनोमेना बाय कंसीडरिंग वेव नेचर ऑफ लाइट. एंड वी नो दैट यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट क्लास दैट वेव नेचर ऑफ लाइट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हाइगेंस, दैट वी कॉल्ड एज अ हाइगेंस वेव थियोरी ऑफ लाइट. ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हाइगेंस की जो वेव थियोरी है उसे कंटिन्यू करना है और इस थ्योरी को यूज करके हमें जो भी ऑप्टिकल फेनोमेना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो व्हाट द पॉइंट. सो बच्चों, अब देखो, लाइट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ऑप्टिकल फेनोमेना हमें डिस्कस करने हैं. करेक्ट, सो जो सोर्स से लाइट एमिट होता है जिसे हम लाइट एमिटिंग सोर्स कहते हैं, सो हाइगेंस के अकॉर्डिंग ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है विच एमिट्स द लाइट, ये दो टाइप्स के होते हैं. तो पहला टाइप जो है वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. पहले टाइप को कहा जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. ओके, और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. तो देखो, हम इन जनरल बहुत सारे लाइट सोर्स देखते हैं, जैसे कि सन हो गया, बेस्ट यूनिवर्सल एग्जांपल, मून हो गया, स्टार्स हो गए, उसके बाद बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी, दिस आर ऑल द सोर्सेस ऑफ लाइट. सो अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस वेव थियोरी, दिस लाइट सोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. तो हम इसका सिक्वेंशियल डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मीन्स the source which emits the light of their own, that is called as a primary source of light. What is the definition? The sources which emits light of their own are called primary sources. अब ये जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट है, ये खुद का लाइट एमिट करते हैं, मतलब जो सोर्सेस खुद का लाइट एमिट करेंगे उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. अब इसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. सो जिन ऑब्जेक्ट के पास हाई टेम्परेचर है, वी नो दैट दे इमिट्स द लाइट. इनके एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं सन, बेस्ट एग्जाम्पल है, स्टार्स, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर. सो ऑल दिस कम अंडर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट. ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर हाई टेम्परेचर. सेकेंड, वी कैन से बिकॉज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम. तो इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे? अभी आपको पता है आपके घर पे जो बल्ब होता है, जो ट्यूबलाइट होता है, दिस आर ऑल्सो द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट विच एमिट्स द लाइट ऑफ देयर ओन. करेक्ट, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ करंट विच फ्लोज थ्रू इट, सो इट विल कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. सो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बल्ब, उसके बाद ट्यूबलाइट हो गया, उसके बाद इवन टेलीविजन, सो एलईडी, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्स. ओके, विच एमिट्स द लाइट बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ करंट. ओके, एट द सेम टाइम there is one more category and that is because of nuclear or chemical reaction. अब इसमें क्या आएगा? तो बच्चों, दिवाली आ रही है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फायर क्रैकर.
ठीक है। जब भी फायर क्रैकर क्या होता है, जैसे ही आप उसे इग्नाइट करते हो तो क्या होता है, लाइट इमिट होता है। सो वहां पे क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देयर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, फायर क्रैकर। एट द सेम टाइम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, देन यू नो दैट न्यूक्लियर वेपन्स जो है, लाइक न्यूक्लियर जनरेटर्स या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर्स, वन एंड द सेम थिंग। सो दिस कमेंडर, दिस थर्ड कैटेगरी, सो ऑल दिस आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट विच इमिट्स द लाइट ऑफ देयर ओन। इट मे बी बिकॉज ऑफ द देयर हाई टेम्परेचर, इट मे बी बिकॉज ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, और इट मे बी बिकॉज ऑफ द केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। अब सेकेंड जो सोर्स है हमारा लाइट का, वो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब क्लियर है कि लाइट के जितने भी सोर्सेस यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब हमें पता है इन जनरल, तो उसमें से प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट जो है, इट इमिट्स द लाइट ऑफ देयर ओन। तो ये अगर हम इसे एस्केप करें तो बचे हुए जो भी सोर्सेस होंगे, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, क्लियर। सो इसे अगर डिफाइन करना होगा तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे, द सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट इमिट द लाइट ऑफ देयर ओन, करेक्ट। सो अ सोर्सेस, हाउ कैन आई राइट, सोर्सेस विच डू नॉट इमिट और प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन एंड रिसीव्स द लाइट, बट दे receives the light from another source of light, and either light receive करने के बाद क्या करते हैं, एक तो उसको reflect करते हैं या फिर scatter करते हैं, and either reflects or scatters the light around it. So that is called as secondary sources of light. So this is the definition of secondary source of light. जो light खुद का, मतलब जो sources खुद का light emit नहीं करते, जो किसी और से light receive करते हैं, और उस received light को एक तो reflect करते हैं फिर scatter करते हैं, that we called as a secondary sources of light. ठीक है, अभी अगर हमें इसके example देने होंगे तो example क्या हो जाएंगे, moon is the best example of secondary source of light. This receives the light from the sun and reflect it, right? So moon is the example of secondary source of light. After that you can say planets are also examples of secondary source of light. Even we humans are the example of secondary source of light. जो हम light receive करते हैं, ठीक है, primary source से हम light receive करते हैं और received light को हम reflect करते हैं. So humans हो गए, उसके बाद plants, animals, all these are secondary sources of light. Okay, so as we are going to deal with the light in this particular chapter, that is a wave nature of light. So first of all, we should know about the sources of light. So basically there are two sources, primary and secondary. I have given a complete description of this. Okay, now if we talk about the majority, then it is very well clear that the majority kiski zyada rahegi, secondary sources ki zyada rahegi. So in nature, the secondary sources of light are more as compared to the primary sources of light, clear? Now let's see the new and a very unique concept of Huygens' theory, and that is the concept of wavefront, jo aapke liye naya hai. Okay, so now let's see the concept of wavefront. तो बच्चों इस चैप्टर में हमें आगे Huygens की वेव थ्योरी कंटिन्यू करनी है. तो Huygens के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट सोर्स जो लाइट इमिट करता है, इट इज प्रोपोगेटेड, नो मैटर इट इज प्रोपोगेटेड इन टर्म्स ऑफ वेव, बिकॉज Huygens ने जो लाइट की थियरी दी है उसमें उन्होंने लाइट का वेव नेचर शो किया है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द Huygens थियरी, व्हाट एवर द लाइट सोर्स इज देयर, उससे जो लाइट इमिट होगा, इट विल बी प्रोपोगेटेड इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट, एंड दैट्स व्हाई नाउ वी विल गोना सी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए, वर्ड ही आपके लिए न्यू होगा, बट नो नीड टू बॉदर, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल टू प्रूव एंड टू रिलेट दैट व्हाट इज एग्जैक्टली अ वेव फ्रंट. ओके,
बस आपको क्या करना है, वॉट एवर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी वो एग्जाम्पल आपको विजुअलाइज करके इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करना है, ठीक है? अगर रिलेट कर पाओगे तो इसे आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? सो बच्चों, ये एक्टिविटी हर किसी ने की है कि सपोज यू हैव अ स्टोन इन योर हैंड एंड देर इज अ स्टील वाटर सर्फेस, ओके? एंड वेन यू विल ड्रॉप दैट स्टोन इन अ स्टील वाटर सर्फेस, क्या फॉर्म होता है? वाटर करंट्स फॉर्म होती है, ऐसे सर्क्यूलर रिंग्स फॉर्म होती है, जिस रिंग्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ रिपल्स। तो यहाँ पे इस तरह से क्या फॉर्म होगी, वाटर करंट, जिसे आप वाटर वेव्स भी कह सकते हो, ठीक है? करंट्स, ओके, लहरें जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ओके? सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने स्टोन ड्रॉप किया, ड्रॉप करने से पहले उस स्टोन को पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे ही आप स्टोन को ड्रॉप करोगे वो स्टोन जब मोशन में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में होगा। अब सपोज ये मीडियम जो है ये हमारा वाटर मीडियम है, इसे आप स्टील वाटर सरफेस इमेजिन करो, जैसे ये स्टोन ऐसे आके इस वाटर में इस तरह से, ये वाटर मीडियम है आपका, इस तरह से यहाँ पे एंटर हुआ तो क्या होगा, दिस स्टोन विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है तो ये इस तरह से वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा अबाउट इट्स मेन पोजिशन, इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल ऑल्सो वाइब्रेट लाइक दिस। सो इन दिस वे अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल टेक्स प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर इन दिस वे एंड बिकॉज ऑफ विच ईच मॉलिक्यूल इज पजिसिंग अ सर्टन एनर्जी सो इट विल वाइब्रेट अबाउट इट्स मेन पोजिशन। सो दिस इज द डिरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड दिस इज द डिरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सो दिस वे वाटर करंट्स गेट फॉर्म, इसी तरह से वेव्स फॉर्म होती है, कोई भी वेव फॉर्म होने का यही मैकेनिज्म होता है, ठीक है? कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव। और आप यहाँ पे देख सकते हो एनर्जी के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है? तो ये सब कुछ जो है ये बेसिक है जो आपको मे भी आपको पता होगा, ठीक है? क्योंकि वेव कैसे फॉर्म होती है इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है? तो आप देखो अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है 3D में अगर आप इमेजिन करो तो ये पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट होंगे सरफेस पे, ये ऐसे, और ये एनर्जी जो है ये ऐसे प्रोपोगेट होती होगी और जो एनर्जी के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है वही वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से क्या होगा, जो वेव है आपकी ये इस तरह से हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये इस तरह से प्रोपोगेट होगी लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर रिपल्स है यहाँ पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ वेव फ्रंट मतलब क्या, हमें चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें इवन कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी करके पढ़ना है, ठीक है? सो इस रिपल्स पे ये क्या है, दिस इज द डिरेक्शन इन विच योर वेव इज ट्रेवलिंग, ओके, दिस इज द ऑल पॉसिबल डिरेक्शन इन विच योर वेव इज ट्रेवलिंग एंड एज यू कैन सी दिस इज सिमेट्रिकल वन, ओके? सो वेव का जो प्रोपोगेशन है वो सिमेट्रिकल है। तो इस रिपल्स में हम इस रिपल्स पे पॉइंट कंसिडर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ओके, ये पॉइंट हमने कंसिडर किए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे इस वेव को रीच होने के लिए जो टाइम लगेगा वो सेम रहेगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट्स लिए और ये सारे पॉइंट्स का अगर हम एक लोकस ड्रॉ करें तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकस, द लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, ओके? सो द लोकस, दिस इज द लोकस ऑफ दिस ऑल दिस पॉइंट्स एट विच द वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली, हर पॉइंट पे वेव साइमल्टेनियसली मतलब सेम इंस्टेंट पे रीच होगी बिकॉज ये जो डिस्टेंस है सबका डिस्टेंस सेम है और जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसकी स्पीड भी फिक्स्ड होगी। सो दिस इज द, दिस आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट विच द वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली एंड यू कैन सी ऑल दिस पॉइंट्स आर इन द सेम फेस। अब मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, आप यहाँ पे भी ये पूरा ले सकते हो इस तरह से। तो ये सब सब पॉइंट्स का अगर हम एक लोकस ले ये रेड वाला, तो ये क्या है, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स at which a wave is reaching simultaneously such that all these points are in a same phase and this is nothing but called as a wave front. इसी को कहा जाता है wave front. This is called as a wave front. और ये जो है ये क्या है आपकी, this is direction of propagation of wave. This is direction of propagation of wave. और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वेव फ्रंट। व्हाट इज दैट,
डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो डेफिनेशन क्या होगी, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मीडियम, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ मीडियम एट विच वेव रीचेस साइमल्टेनियसली, वेव रीचेस साइमल्टेनियसली सो दैट ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इसी को कहा जाता है वेव फ्रंट. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रिपल्स का, वॉटर करेंट्स का, यहाँ पे ये जो वेव फॉर्म हुई ये सरफेस वेव है. ये क्या है, सरफेस वेव है. और इस सरफेस वेव की वजह से जो वेव फ्रंट यहाँ पे फॉर्म हुआ, आप इमेजिन कर सकते हो ये जो रिपल्स फॉर्म हो रही है ये वाटर सरफेस पे फॉर्म हो रही है. वाटर सरफेस पे फॉर्म हो रही है मतलब टू डायमेंशनल सरफेस पे फॉर्म हो रही है. तो ये जो वेव्स है ये कौन सी वेव है, ये टू डायमेंशनल वेव्स है. ठीक है, और टू डायमेंशनल वेव्स की वजह से जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है, दिस इज सर्कुलर इन नेचर. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्क्यूलर वेव फ्रंट. तो यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आपको इस न्यू कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करवाने के लिए मैंने ये सिंपल टू डायमेंशनल वेव का एग्जाम्पल दिया. इससे अग्री करते हो कि ये वाटर करंट जो है, रिपल्स जो है, 2D वेव्स है, बिकॉज ये सरफेस पे फॉर्म हो रही है, ये सरफेस पे फॉर्म हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज 2D वेव. और 2D वेव में ये जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है ये सिर्फ यहीं पे वेव फ्रंट फॉर्म नहीं होगा, आप यहाँ के भी पॉइंट्स ले लो, यहाँ के पॉइंट्स ले लो, इन सब का अगर आप लोकस लोगे तो देखो ये इस तरह से. सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, द वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली एंड ऑल पॉइंट्स आर इन द सेम फेज, सो यू कैन कॉल दिस आल्सो वेव फ्रंट. ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, और ये वाला भी वेव फ्रंट है. क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एंड यू कैन सी द शेप ऑफ वेव फ्रंट, दिस इज सर्क्यूलर इन नेचर. ओके, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री डायमेंशनल वेव, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशनल वेव. अब आप बोलोगे कि थ्री डायमेंशनल वेव का एग्जाम्पल हम क्या ले, तो बच्चों लाइट जो होता है, लाइट का जो सोर्स होता है उससे जो लाइट एमिट होता है वो 3D में स्पेस में एमिट होता है. सन ही आप ले लो, सन इज समवेयर इन स्पेस, दैट मीन्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. सो सन से जो लाइट निकलेगा वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा. तो अब हम सन का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज और यू नो दैट सन इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ओके, सो सपोज यू हैव सच काइंड ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ओके, सो दिस लाई इन अ स्पेस. सो इसके वजह से क्या होगा, सन से जो लाइट निकलेगा ये इस तरह से, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होगा लाइक दिस. ठीक है, अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसिडरेशन आई एम ड्रॉइंग हाफ, बट ये जो है ये लाइट इधर भी इस तरह से प्रपोगेट होगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. क्लियर? तो ये जो वेव्स यहाँ पे फॉर्म होगी, दिज आर द थ्री डायमेंशनल वेव्स, दिज आर थ्री डायमेंशनल वेव्स. अब हम क्या करते हैं, सन है, दिस इज सन, राइट? सन से लाइट निकल रहा है, ये लाइट की स्पीड को अगर हम सी कंसिडर करें तो मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज सी इनटू टी, राइट? सो सी हियर, द वेव विल रीच अ डिस्टेंस सी टी. सपोज यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे. सो आई हैव टेकन लोकस ऑफ दिस पॉइंट्स वेयर द वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ सी टी, सी टी, सी इंटू टी, सी इंटू टी. सो ये जो लोकस है, लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स वेयर द वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली सच दैट ऑल दिस पॉइंट्स आर इन द सेम फेज, सो दिस इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. इसी को क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट. तो डेफिनेशन तो तीन चार लाइन की डेफिनेशन है, उसे मतलब प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कॉन्सेप्ट को समझ के लेना ये बड़ी बात है. बट मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेफिनेशन को रट लेते हैं, डेफिनेशन रट के आप एग्जाम तो लिख दोगे, बट उसके बाद एग्जाम के बाद किसी ने आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट पूछा तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करते आना चाहिए. सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स ले लो, ये 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 ये, वेयर द वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली. सो इफ यू टेक अ लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स, वेयर द वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली सच दैट ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज,
सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेव फ्रंट. अंडरस्टूड? अब थोड़ा सा इमेजिन करो. क्या इमेजिन करना है आपको? ये जो वेव थी ये टू डायमेंशनल वेव थी. टू डायमेंशनल वेव की वजह से जो वेव फ्रंट आपको मिला वो सर्क्यूलर था. इमेजिन कर सकते हो वैसे सर्क्यूलर था. बट ये जो लाइट सोर्स है ये स्पेस में है, ये लाइट एमिट कर रहा है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. लाइक सो यहाँ पे आपका थ्री डायमेंशनल स्पेस है, वहाँ पे आपका प्लेन था, वो सरफेस वेव थी. ठीक है, ये आपकी थ्री डायमेंशनल वेव है. तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा ये अगर आप पूरा ऐसा यहाँ पे कंप्लीट करो तो ये जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा स्पेरिकल वेव फ्रंट. स्पेरिकल वेव फ्रंट, क्लियर? और इस वेव्स को कहा जाता है, जैसे ये सरफेस पे फॉर्म हुई थी वी कॉल इट एज अ सरफेस वेव. दिस वेव इज कॉल्ड एज स्पेरिकल वेव्स. दिस वेव इज कॉल्ड एज स्पेरिकल वेव्स, क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. और ये वेव फ्रंट की जो स्पीड होगी, दिस वेव फ्रंट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट. बिकॉज लाइट इमिट हो रहा है तो लाइट की जितनी स्पीड होगी उतनी ही इन वेव फ्रंट की स्पीड होगी. तो अब हाइगेन के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट सोर्स से जब लाइट इमिट होता है सो इट गेट्स प्रोपोगेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट वी कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट, क्लियर? सो ये वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, तो देखो ये जो है ये डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये मैंने यहाँ पे भी बताया था, ये डिरेक्शन है जिसमें आपकी वेव प्रोपोगेट हो रही है. तो देखो इस डिरेक्शन को अगर हम इतना सा सेक्शन ले इसका, यहाँ पे ये डिरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये पॉइंट और ये है आपका वेव फ्रंट. तो आप देख सकते हो कि वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को ये वेव फ्रंट हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर. सो व्हाट आई कैन राइट, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ. सो आई होप आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया है. पॉइंट सोर्स यूज करके जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा दैट विल बी अ स्पेरिकल वेव फ्रंट. जो वेव्स एमिट होगी दैट वी कॉल्ड एज अ स्पेरिकल वेव्स और इट विल बी अ थ्री डायमेंशनल वेव्स. ठीक है, अब एक और वेव फ्रंट है जिसे कहा जाता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब और कैसे फॉर्म होगा? ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि सन इज देयर, राइट? ऑफ कोर्स सन इज देयर, सन से लाइट एमिट हो रहा है. तो अब अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी दैट लाइट विल बी एमिटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट बिकॉज सन इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकलेगा वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड होगा. उस लाइट वेव्स को हम कहते हैं स्पेरिकल वेव्स और उससे जो वेव फ्रंट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट. ठीक है, सो सपोज सन से लाइट वेव्स एमिट हो रही है, हम तक रीच हो रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट. ओके, नाउ इफ आई कंसिडर स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट, अगर मैं इस स्पेरिकल वेव फ्रंट का अगर एक मैं स्मॉल पार्ट कंसिडर करूं तो इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन सरफेस. इट विल एक्ट लाइक अ प्लेन सरफेस. अब आप बोलोगे कि इस पे हम कैसे ट्रस्ट करें कि स्पेरिकल वेव फ्रंट का जो स्मॉल पार्ट है उसे हम प्लेन सरफेस कह सकते हैं? तो बच्चों बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. ये अर्थ जिस पे हम है ये स्पेरिकल है, बट हम अर्थ एंटायर अर्थ पे तो नहीं रहते, हम अर्थ के एक स्मॉल पार्ट में रहते हैं. तो आपने आजू बाजू देखो जरा, अर्थ स्पेरिकल है. ठीक है ना, कोई दूसरे प्लैनेट पे जाकर देखोगे अर्थ को तो अर्थ स्पेरिकल दिखेगी, बट अर्थ पे खड़े होके जब हम आजू बाजू की जगह देखते तो वो प्लेन होती है, राइट? इन द सिमिलर वे द स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट कैन बी ट्रीटेड एज अ प्लेन सर्फेस. और यहां से जो फिर वेव्स एमिट होगी दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेन वेव्स. दिस वेव्स आर कॉल्ड एज अ प्लेन वेव्स एंड दिस वेव्स विल बी लाइक दिस. ये जो वेव्स होगी ये ऐसे प्रोपोगेट होगी पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस, क्लियर? ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. यहाँ पे पॉइंट सोर्स ही आता है, कोई एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट लो. एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मतलब लीनियर सोर्स ऑफ लाइट. बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में ट्यूबलाइट सबको पता है.
सो सपोज ये जो है यहाँ पे ये इस तरह से ये ट्यूबलाइट है. व्हाट इज दिस? दिस इज ट्यूबलाइट. ओके, अब ट्यूबलाइट से जो लाइट एमिट होगा वो लाइट लाइट की जो वेव्स है उसे आप स्फेरिकल वेव्स तो नहीं कहोगे. ये वेव्स कैसी होगी? इट विल बी अ प्लेन वेव्स एंड इट विल बी प्रोपोगेटेड पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस. क्लियर? सो अब हम फिर से क्या करते हैं, इन वेव्स पे यहाँ पे एक पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स लेते हैं इस तरह से. ओके, और सारे पॉइंट्स को अगर हम इस तरह से जोड़ दें, सो यू कैन सी हियर दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट विच अ वेव इज रीचिंग साइमल्टेनियसली बाय कवरिंग अ सेम डिस्टेंस and such that the, all these points are in the same phase. So this is called as a wavefront, or ऐसे wavefront को कहा जाता है cylindrical wavefront. आगे और points आप ले सकते हो, ये 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 ये. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक light is covering same distance to reach these points. That means these are the points, this is the locus of points at which a wave is reaching simultaneously and all these points are in the same phase. So such a wavefront is called as a cylindrical wavefront. Clear? So इस तरह से दो types के wavefront होते हैं, spherical wavefront, cylindrical wavefront. Difference आप कैसे ध्यान में रखोगे? In order for the formation of spherical wavefront, you need a point source of light. What you need? You need point source of light. And for that case, you need an extended source of light. यहाँ पे आपको क्या लगता है? Extended source of light, जिसे आप linear source of light कह सकते हो. Best example है आपका ट्यूब लाइट. ओके, तो ये जो वेव्स है इसे हम कहते हैं spherical waves. इसे हम कौन सी waves कहते हैं? We call it as a spherical waves. And these waves are called as a plane waves. So such kind of wavefront is called as a spherical wavefront. Such kind of wavefront is called as a cylindrical wavefront. Clear? So I hope you got the concept of wavefront. At the same time, एक छोटा सा concept है wave normal का. Wave normal का. अब old syllabus में wave normal का भी concept था, but आपके updated syllabus में wave normal mention नहीं किया है, फिर भी हम बता देते हैं. नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो वेव फ्रंट को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ वेव नॉर्मल. ओके, अब आप देखो जरा दोनों वेव फ्रंट्स देखो. ये है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये है आपके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स. इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर. इसी को कहा जाता है वेव नॉर्मल. यहाँ पे भी ये वेव फ्रंट्स है, इन वेव फ्रंट्स को ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ की दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज वेव नॉर्मल. ओके, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल. अब एक और चीज ध्यान में लो, वेव नॉर्मल की डायरेक्शन और वेव के प्रपोगेशन की डायरेक्शन सेम है. वेव नॉर्मल की डायरेक्शन और वेव के प्रपोगेशन की डायरेक्शन क्या है? सेम है. और वेव नॉर्मल वेव फ्रंट को हमेशा कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा. सो आप वेव नॉर्मल को कैसे डिफाइन करोगे? परपेंडिकुलर. इट इज व्हाट? परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सरफेस ऑफ वेव फ्रंट. परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सरफेस ऑफ वेव फ्रंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट. और ये परपेंडिकुलर किसके डायरेक्शन में है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड वेव नॉर्मल. Clear? So this is the concept of wavefront and wave normal. I hope you got it. Okay? So again I repeat, again I am clarifying you the difference between spherical and cylindrical wavefront. Point source से जो wavefront form होगा that will be a spherical. Extended source से या linear source से जो wavefront form होगा that will be a cylindrical. यहाँ पे जो waves होगी वो spherical waves होगी. ये जो waves होगी ये plane waves होगी. दोनों भी three dimension में है, ठीक है. वो ripples की जो case थी वो सरफेस वेव्स थी, वो टू डायमेंशंस में थी. क्लियर? सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज,
वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वेव नॉर्मल की और वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये भी हमेशा परपेंडिकुलर है. ओके, सो सारे की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया है. सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेव फ्रंट का, क्योंकि आगे जो भी ऑप्टिकल फेनोमेना आपको डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में वो वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करके ही करने हैं. ठीक है, आगे आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन प्रूव करना है हाइगेंस थ्योरी से, तो वहां पे आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है. सो आई होप यू गॉट इट. स्टिल इफ यू कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी जस्ट पुट योर डिफिकल्टी इन द कॉमेंट सेक्शन, यू विल डेफिनेटली गेट अ सोल्यूशन. ओके, सो डू दिस एंड प्रिपेयर दिस. So we'll meet in the next class with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.